शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अंदर गन लाना मना है, अंदर गन लाना मना है। अरे मैडम अभी मेरा नंबर चाहिए, मेरे नंबर पे आके बैठ। जो जहां है अपने स्थान पे लेट जाओ, कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल शोर मत करना। हा? टप टप ये टप टप ये टप टप ये टप टप। ये कानपुर की स्टेशन लगाओ पहले सीधा, और सुनो ठप ठप। यहाँ पे लेटने आए थे, बैंक लूटने आए थे, किसने बोला कि तुम यहाँ लेट जाओ? भाई आपने तो कहा था लेट जाओ तो लेट गए। मैंने ये थोड़ी बोला था कि ब्राउन टी शर्ट वाले भी लेट जाओ। अब आपको क्या हुआ मैडम? आपने ही तो बोला कि ब्राउन टी शर्ट वालों को नहीं लेटना है। मेरा मतलब कान खोल कर सुन लो सब लोग, जिन लोगों को बैंक लूटना है उन्हें खड़े होना है। आपकी तारीफ? मैं बैंक मैनेजर हूँ, रोज मैं कितने सारे लोगों के बैगों में नोट भरता हूँ सर, लेकिन मेरा अपना बटुआ हमेशा खाली रहता है। सर प्लीज मुझे बैंक लूटने दो ना। तुम बैंक लूटोगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ। बैंक में बैठू मैनेजर बन के? एक काम करो जी, सीधा इनको लेके जाओ। हाँ जी। जितना बैंक में रोकड़ा है बैग में भरवाओ। हाँ जी। उसके बाद मुझसे मिलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ गैंग में। ठीक है जी। जाओ। बच्चों सच्चू सब जाओ। यहाँ बैंक में लेटने आए थे कि बैंक लूटने आए थे तुम? भाई उनके पास गए थे, उन्होंने कहा बैंक लूटने के लिए टोकन लेना पड़ेगा। टोकन? हाँ भाई, और वो बोली कि बैंक लूटने का कोई टोकन नहीं होता। लेवल में आ, यहाँ बैंक में यहाँ लाइन में खड़े खड़े क्या कर रहे थे तुम? भाई वो मुझसे बोला कि बैंक में मेरे 7,000 रुपए जमा है, पहले ये निकाल लेते। तुम इधर आओ, लेवल में आओ। ये वहां पे खड़े खड़े तुम लोग क्या मीटिंग कर रहे थे, गुफ्तगू क्या कर रहे थे? भाई वो बैंक वाला बोला कि हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, आप बहुत खतरनाक काम करते हो, हम आपके लिए इंश्योरेंस कर देते हैं। हाँ भाई बहुत अच्छी स्कीम है उसके पास। हेलो पुलिस स्टेशन जी, हमारे बैंक पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, आप जल्दी से। पुलिस का प्राइवेट नंबर दो तुम्हें? सॉरी सॉरी। सुनो, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस अभी आती होगी। और सुनो पब्लिक लोग, हमारे यहां से निकलने के बाद तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना, वरना एक साथ निकलोगे धक्का मुक्की हो सकती है, गिर सकते हो, लड़खड़ा सकते हो। तुम्हें ठोकू दूंगा, जगह देख के नहीं लेट सकते। एक काम करो जी, ये जो माल है ना इसे वापस पहुंचा। बाबा वापस कराए मगर क्यों? अरे जब वापस ही रखना था तो लूटा ही क्यों? सुनो सेल्फी भाई से बहस नहीं, जो ऑर्डर किया है वो फॉलो करो, रूल इज रूल। दिमाग खराब है साले का। आए, आता है पैसे को जेब की गर्मी भी नसीब नहीं हुई। डन 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 डन। अबे छोटू साला पगला है तेरे। हाँ। भाई की हाइट भी कम, माइंड भी कम, हाफ हाइट हाफ माइंड। देखो
हम सेल्फी टोन को पकड़ने जा रहे हैं, हमें जाने दो। एक तो पहले ही तुम तीनों बिना हेलमेट के एक ही स्कूटर पे, ऊपर से चौथे को बिठाने का प्लान, साइड लगाओ, तुम्हारा डबल चालान कटेगा। देखो माना कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, पर घर की पुरानी खुन्नस तुम रोड पे मत निकाला करो। एक्सक्यूज मी, रूल तोड़ना ना ही मुझे घर पर पसंद था और ना ही मुझे सड़क पर पसंद है। एक्स भाभी जी, मैं क्या कह रहा था ना, हम तो पुलिस वाले ही है और ड्यूटी पर भी है, हमें जाने दो। एक्स भाभी जी, आप हमें भूल गई, हम तो आपकी शादी और डाइवोर्स दोनों पे आए थे। ए पांडे, तेरी पर्ची कट गई है नाक भी, झंडे गाड़ दिए मैंने। निकल गया सेल्फी टोन, अब खुश। अरे उसे तो निकल नहीं था, उसने कौन सा रूल तोड़ा है? अरे वो तुम्हारी बुआ के घर से थोड़ा ना आया था, वो बैंक लूट के जा रहा है। एक्सक्यूज मी मिस्टर पांडे। बोलो क्या भाई, तुम लोग जो बोलना चाहते हो डॉन को सब सुनाई देता है, तुम्हारे मन में जो हो सब बोलो। भाई एक बात समझ में नहीं आती, भाई जब हम इतना खर्चा करते हैं, चार चार गाड़ियों का तेल जलता है, हम बैंक जाते हैं, बैंक लूटते हैं और फिर सारा का सारा माल वापस बैंक में जमा कर देते हैं, क्यों? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, समझे? नहीं, ये जो भी हमने किया वो अभ्यास मैच था, फाइनल मैच तो हम कहीं और खेलेंगे। अरे बड़ा बनने के लिए छोटी मोटी लूट खसोट चोरियां करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस के लिए तुम लोग नहीं समझोगे। तो भाई समझाओ ना। जिस दिन बड़े हो जाओगे सब समझ जाओगे जॉन इब्राहिम, चिंता मत करो। जी क्या हुआ मेरी थप्पड़ की गूंज? बस भैया सब समझती हूँ मैं, कोई प्यार व्यार नहीं करते आप मुझसे, भूल गए हैं आप अपनी छोटी बहन को। अरे क्या हुआ, तेरा चेहरा इतना क्यों तिलमिलाया हुआ है? सच्ची बताऊं तो एक लड़का है, गोगो नाम है उसका, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, हमने साथ में जीने मरने की कसमें भी खाई थी, पर उस गोगो के बच्चे ने मुझे धोखा दिया और मेरा प्यार भरा दिल तोड़ दिया। बस बस सब समझ गया, तू एक बार उसका मुझे सेल्फी दिखा दे, अगर उसका थोबड़ा मैंने ऐसा ना बदल दिया कि वो सेल्फी क्या ग्रुप में भी खड़ा होने के लायक बच जाए तो हमसे कहना। मेरे दिखा, पास दिखा, दिखा, दिखा। यही है वो। अरे ये लड़की मतलब? भैया ये वो लड़की है जिसकी वजह से गोगो ने मुझे छोड़ा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जिस लड़की की वजह से गोगो ने मेरी बहन को छोड़ा। अपनी बहन के लिए इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, तू हट इधर। नूनू ये सबसे अच्छी जगह है ना हमारे मिलने के लिए, अब यहाँ पर ना रोज आया करेंगे, रोज। हाँ जिस तरह के मेरे हालात है ना, मैं तो कहता हूँ टूटो हम किसी तीर्थ स्थान पे चलते हैं, मिलना मिलाना भी हो जाएगा और गाना बजाना भी हो जाएगा। तुम कितने नालायक हो ना, और बेशरम भी, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। कौन है यहाँ पे? शिव जी है, श्री कृष्ण है, माता रानी है। उत्तरी तू क्या हुआ, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो सुबह सुबह सैर करने के लिए निकल जाते हैं। चल 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 निकल यहाँ से, निकल निकल। चुप, अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे, कहीं चल कर छुप जाते, जब ये लोग चले जाएंगे तो बाहर निकल। ये मेरे डैडी जी हैं, तू जानती नहीं मेरे डैडी जी को, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया ना तो यहीं स्थापित कर देंगे। तुझे ना सैर की बहुत जरूरत है, इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। लड़की मंदिर में आ रही है। आने दे आने दे, तू रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूँ। बोतल निकाल, जल्दी करना, डालू? हाँ और डाल। भैया आप ठीक है? भैया अरे क्या कर रहे हैं? अरे रुकिए आप, भैया जॉन क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं, भूख से। क्या आप लोग भी अब आ गए ना गर्मी में चक्कर? रुकिए ये लीजिए भैया, उठिए थोड़ा मीठा खा लीजिए, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। अरे कहाँ किसको क्या मीठा खिला रही हो? अब अच्छा लग रहा है, अब ऐसे कभी खाली पेट घर से मत निकलना, ठीक है? ख्याल रखो। तुमने हमें भैया बोला, हमें आज तक किसी ने भैया नहीं बोला, तुम कितनी अच्छी हो बहन। भैया को भैया ही बोलते हैं ना? अरे कहाँ भाई भाई बना रही हो, दिल्ली में भाई मत बनाओ। अरे आप तुमने मेरी जान बचाई, मेरा साथ दिया, आज से तुम मेरी बहन हो। मेरी भी रुकिए जीजा। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। जीजा जी पहली पना। पहली पना। चले अब? हाँ चलिए चलिए भैया मैं चलती हूँ। तुम आज से पैदल नहीं जाओगे, तुम्हें हम गाड़ी से घर तक छोड़ कर आएंगे, क्यों? पर भैया
मुझे चलेगा। अरे दो भाइयों के होते हुए उनकी बहन पैदल घर जाएगी? ना 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 ना, जॉन गाड़ी निकाल। बहना एक बार फिर से। भैया। मुझे भी भैया। सालों गाड़ी का गियर डालो। आते रहना। अबे ना हाँ। अबे तेरा, अबे इतने ठंडे पानी में नहा रहे हो तुम लोग, सालों निमोनिया हो जाएगी तुम लोगों को। मैं तो जॉगिंग करूंगा। लग जाओ सब लोग लग जाओ। तुम दो थे, वो एक ऊपर से लड़की, क्या सोच के वापस आए थे कि तुम्हें मैं प्यार से बिठा के चाय पिलाऊंगा और मुस्कुरा के पूछूंगा भाई साहब एक चम्मच लोगे कि 10 चम्मच लोगे? भाई मैं तो शुगर फ्री चाय पीता हूँ। गुस्सा तो ऐसा आता है कि तुम्हें गर्मा गर्म चाशनी में डुबो दूं और ऊपर से जंगली चींटियां छोड़ दूं। भेजा था लड़की उठाने, उसको अपनी बहन बना के आ गए, उसकी मदद करने लगे। सॉरी भाई, लेकिन आपकी बहन के लिए हम अपनी बहन को मुसीबत में नहीं डाल सकते। तुम्हें रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं रखा। काम के वक्त किसी की मदद नहीं होनी चाहिए, ना अपनी बहन की ना किसी और की बहन की, तुम्हारी बहन बॉस की। बॉस के चमचे इधर आओ, इधर आओ। इस बार तुम दोनों जाओगे। ओके बॉस। बॉस और इनको तो मैं बताता हूं, अब क्या भांगड़ा करके दिखाऊं तब जाओगे तुम? आइसक्रीम टुटू नूनू। नूनू भैया। टुटू टुटू भाभी। टुटू नूनू भैया। टुटू भाभी। हाँ बाकी सब घर पे जाके देख लेना। सर मुझे लग रहा है इसको भी डैडी जी ने भिजवाया, यहाँ भी कुछ नहीं करने दे रहा। पकड़। टिट्टू। अबे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, भाई हमें जान से मार देंगे। अरे चुप कर, इस बार लड़की को उठा के ले चलेंगे। चल 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 चल। नूनू हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? ऐसे छुप छुप के मिलने में ही तो प्यार का मजा है। नूनू ये मजा नहीं, सजा है। लिफ्ट रुको 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 रुको। वो देख दीदी। अरे दीदी आप यहाँ, क्या हुआ? दिख नहीं रहा, गाड़ी खराब हो गई है मेरी, घर छोड़ो मुझे। नहीं नहीं अभी हम आपको घर नहीं छोड़ सकते, हमें भी बहुत जरूरी काम करने जाना है। हाँ और बॉस का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, काम के समय किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, अपनी बहन की भी नहीं। सुनो तुम दोनों हाँ? अगर मेरा काम नहीं किया ना अभी, तो तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगी मैं, समझे? घर छोड़ो आप मुझे। आप थोड़ा और ट्राई करो ना, कोई ना कोई ऑटो टैक्सी वाला जरूर रुकेगा और आपको घर छोड़ कर आएगा। क्या कहा तुमने? निकल ले जल्दी। अबे कहाँ निकल गई? अरे यार बॉस जान से मार देंगे यार, जल्दी पकड़ ले। ए, सुनो जी बॉस, इसका बजर बढ़ा जरा। ठीक है ठीक है बॉस। बच्चा हूं क्या मैं, बार बार बोल रहा हूँ बजर बढ़ाओ है? एक ही बार तो बोला बॉस।
बदन की एक एक पसली में दर्द है, ये दर्द तो मैं सहन कर सकता हूँ, अगर कोई दर्द अपनों से मिलता है तो उसको कैसे सहन करूं। भैया जॉन अब्राहम जय वीरू, ये कैसे नाम रखे हैं आपने? और नाम तो ऐसे रखे हैं जैसे ये अभी के अभी गब्बर को उठा के ले आएंगे। सॉरी भाई, मैं ये कहना चाह रहा था सॉरी सॉरी भाई, पर आपने तो कहा था कि काम के समय किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, अपनी बहन की भी नहीं। अरे बेवकूफ हो, तुम्हें सबसे पहले गुंजन की मदद करनी चाहिए, वो तुमने नहीं की। देखो हमेशा याद रखो, अगर कोई अपना आदमी मुसीबत में हो तो सबसे पहले उसे मुसीबत से निकालो, उसके बाद काम करो। जी भाई। भाई इतने से काम के लिए दो लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। अच्छा भाई, दो दो की दो जोड़ियां जो काम नहीं कर पाई वो काम ये अकेला कैसे कर देगा? मैं कर दूंगा अकेला ये काम। हाँ कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा भाई। मैंने कंप्लेंट का बॉक्स खोल के नहीं रखा है, लड़की एक आदमी एक, और उसके बाद भी खाली हाथ आए तो 20 काट के दो बना दूंगा, समझे? तू नहीं समझा, बात कर रहा हूँ तब भी पीछे से इतना दबा, मैं तेरी करता हूँ मालिश, साले कहीं मरे कहीं भूत हो। नूनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे नूनू एक बात बताऊं, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। पास आओ ना, थोड़ा सा पास तो आओ। नूनू गड़बड़ हो गई, मैंने कौन सी बोतल छिड़क दी? नूनू हेलो, भाई आपकी बॉडी तो पहले फिट है, क्यों अपना पैसे पैसे की तरफ पसीना पैसे की तरफ बाहर रहे हो? तू अपनी जबान अंदर रख और वजन ऊपर रख, पैसे की तरह पसीना बहा रहे हो। देखिए चंद टूट गई है, अरे कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अरे वो बॉस, बॉस कैसे गिर गए भाई? उठिए उठिए ना भाई, अब उधर ले चलोगे, इधर ले चलो। चलो चलिए। हेलो हेलो, अरे भाई मैं तो फोन लगा रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? लग नहीं रहा आंटी, ना तो साफ किए बैठे हो, लगेगा कैसे? अगर मुझे मोच नहीं आई होती तो जितनी देर में तुम्हारा कॉल नहीं पहुंच रहा उससे जल्दी मैं भाग के दौड़ के पहुंच जाता। एक तो साला ये पता नहीं साला कौन सी गुफा में छुप गया है, ना तो फोन लग रहा है ना ही खुद आ रहा है। हेलो बॉस। लो अब मेरे कान भी खराब हो गए, अब फोन तुम लोगों का नहीं लग रहा है और हेलो बॉस मुझे मेरे कान में सुनाई दे रहा है। क्योंकि हेलो कॉल पे नहीं, आपके पीछे बोल रहा हूँ बॉस। तू तू नहीं मैं, तू मैं ये छोड़। एक तो तू इतने दिन बाद आया, वो भी खाली हाथ। लड़की कहाँ है? बॉस लड़की मेरे कब्जे में थी, तभी मेरे घर से कॉल आया। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी इसीलिए मैं उनकी मदद करने के लिए घर चला गया।
तो लड़की को यहाँ पहुँचा कर तू माँ के पास नहीं जा सकता था? बिल्कुल पहुँचा सकता था, तभी मुझे आपकी एक बात याद आई। आपने क्या कहा था, पहले अपनों की मदद फिर काम, इसलिए उस समय लड़की को मैं वहीं छोड़ आया। और मेरी माँ? तेरी माँ की तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मस्त। कैसे कैसे ऊँट पाल कर रखे? ऊँट नहीं बॉस, जिराफ। जिराफ, जिराफ। तेरे जैसे मकूने भी तो है। कुर्सी लाओ। देखो बेटा, मुझे तुम दोनों की शादी जो है ना फटाफट करनी है। हाँ, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है बेटा, शादी धूमधाम से करूंगा, खूब नाच गाने के साथ, बाजे के साथ, है ना? और तू घबराना नहीं, सारा कुछ माल से ले लेना, आ जा। अरे अरे, क्या हो गया, क्यों रुक गया भाई? डैडी जी, अरे मैं पुराना जरूर हो चला हूँ, लेकिन ज्यादा पुराने ख्यालों वाला बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आजकल के छोरा छोरी को शादी से पहले एक दूसरे को पहचान लेना चाहिए, इसलिए साथ में शॉपिंग करवाने की जिद पकड़ ली। अभी तुम अपनी अपनी पसंद का जो तुम्हें अच्छा लगे खरीद लो। ठीक है बाबूजी। डैडी जी, अरे अब क्या हो गया, क्यों फूटा गाड़े बैठ गया भाई, क्या 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 सोचने लगा? ओहो, समझ गया बेटा, समझ गया, बाप के सामने शर्मा रहा है। ठीक है भाई, तुम दोनों जाके शॉपिंग कर लो जो करनी है, मैं भी अपने लिए इधर उधर कुछ देख लेता हूँ। ओए अभी कुछ नहीं, चल जा चल जा, और पैसों की चिंता ना करना, खूब अच्छे से खरीदारी करना, चलो। अरे डैडी जी आप चलो जाओ, दोनों शॉपिंग करो, खुशी खुशी रहो। शर्मा रहा है, छोरी नहीं शर्माती, ये शर्मा रहा है, इतना बड़ा हो गया।